Assalamualaikum viewers, this is Sayyid Mantej and we are watching Buniyad Broadcast series आदाब जिंदगी मैच का हमारा मौजू है दोस्ती के आदाब। रसूल मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि ऐसा शख्स जो माशरे में रहता है और उसके लोगों से इतना ताल्लुक रखता है और उसे दोस्त बनाकर रखता है और उनकी तरफ से जितनी भी मुश्किल और तकालीफ हो उसका सामना करता है तो वो उस शख्स से कई ज़्यादा बेहतर है जो लोगों से अलग थलग रहता है और लोगों की तरफ से जितनी भी तकालीफ और मुश्किल हो उसे दिल बर्दाश्ता रहता है। एक और जगह पर इरशाद है कि रसूल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छे दोस्त और बुरे दोस्त को खुशबू भेजने वाले और लोहार से कंपेयर किया है कि खुशबू भेजने वाले के साथ दोस्ती में तुम्हारा कोई ना कोई फायदा ज़रूर होगा, या तो तुम उससे खुशबू लोग खरीदोगे या उसकी महक पाओगे, और लोहार से दोस्ती में या तो तुम्हारे कपड़े जलेंगे या तुम जलोगे, अगर आग ना भी लगे और जलन ना भी हुई तो जो दुआ है वो तुम्हारे दिमाग पर ज़रूर असर करेगा। एक और जगह पर इरशाद है रसूल मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि दोस्त को भाई की तरह रखो और उस पर ये बात वाज़ेह करो कि ये मेरे भाई है, मेरे दोस्त, मैं तुमसे दिल से मोहब्बत रखता हूँ, तो इससे तुम्हारा रिश्ता और भी बरकरार रहेगा। एक दिन रसूल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक सहाबी बैठे हुए थे तो एक शख्स उस रास्ते से गुजरा तो सहाबी ने रसूल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि या रसूलल्लाह, मैं इस शख्स से अल्लाह ताला के लिए बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखता हूँ। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, क्या तुमने ये बात उस पर वाज़ेह की है, क्या तुमने उसे बताया है? तो उसने कहा, जी नहीं, मैंने नहीं बताया। तो रसूल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि फौरन जाकर उससे बता दो कि मैं तुमसे अल्लाह ताला के लिए बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। तो वो सहाबी चला गया और उस शख्स को बताया कि ए मेरे भाई, मैं तुमसे अल्लाह ताला की रजा के लिए बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखता हूँ। तो उसने जवाब में कहा कि जिस ज़ात के लिए तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो वो ज़ात तुझसे मोहब्बत रखती। दोस्ती के इंतखाब में ख़ास ख्याल रखा करें क्योंकि ये दोस्ती जो शुरू हो जाती है ये हमेशा के लिए होती है, इसलिए अच्छे दोस्त रखा करें। और जब किसी दोस्त को दिल से मुंतखब कर लो तो उसका नाम जान लो और उसके वालिद का नाम जान लो और उसकी गरीने मामलात के बारे में थोड़ी बहुत आगाही हासिल करो, तो इससे तुम्हारा रिश्ता और भी बरकरार रहेगा। जिस को तुम दोस्ती के लिए मुंतखब कर लेते हो तो उससे दिल से मोहब्बत रखा करो, उसकी हर मुश्किल हालात में उसके काम आओ और उससे बेइंतहा मोहब्बत रखा करो। रसूल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मोमिन तो सराबा मोहब्बत है, और वो शख्स बहुत ही ज़्यादा बदकिस्मत है जो किसी से मोहब्बत नहीं रखता और कोई उससे मोहब्बत नहीं रखता। इसलिए अपने दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखा है। इसके अलावा वक्तन फ़ौक्तन दोस्तों को तोहफे तहाइफ दे दिया करें, तो इससे आपका रिश्ता और भी बरकरार और मजबूत रहेगा। लाजिम नहीं है कि कोई कीमती चीज़ तोहफे में दो, कोई आम इस्तेमाल की चीज़ उसे तोहफे में दे दो, लेकिन उससे उसे खुशी भी होगी और तुम्हारा जो रिश्ता है वो बरकरार भी रहेगा। इस मौजू का ख़ास मकसद ये है कि अपने जो दोस्त हैं, दोस्त अहबाब, उनका ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। शुक्रिया।